तो अभी हमारी सुबह हो चुकी है और ये मेरा खाना बन चुका है। यहाँ पर मैंने सलाद कट करके रख लिया है और ये मेरा नाश्ता है, चाय और फ्राइड राइस। अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। बच्चे तो सब लोग स्कूल और कॉलेज जा चुके हैं। मैं चलती हूँ, फटाफट नाश्ता कर लेती हूँ। तो आज आयुष्मान के हॉल टिकट पे स्टैम्प करवाना था, वो मैंने अभी करवा लिया है। तो वही आयुष्मान को पूछ रही हूँ कि खुश है ना, क्योंकि बहुत खुश हो गया हॉल टिकट पे स्टैम्प लगा के। बहुत खुश हुआ। हालत कैसी हो गई आयुष्मान? कैसी हालत आ गई है मेरी हॉल टिकट का सुन के? ऐसी भाग के आई मैं तो ज़्यादा ही भाग रहा है अभी। कितना क्यों भाग रहा रे? इतना हैवी है, शोल्डर टूटा जा रहा है। ये वाले शोल्डर पर रख लूँगी तो फिर जो भी थोड़ा बहुत बचा है टूट के निकल जाएगा। और यहाँ पर इतनी धूप लगी है मुझे कि अभी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इसलिए मैं साइलेंट में चुपचाप चल रही हूँ। बिल्डिंग में एंटर हो चुके हैं और गणपति बप्पा और माता रानी के दर्शन कर लीजिए। सब लोग जाने के टाइम पे नहीं करवा पाई थी, आने के टाइम पे दर्शन कर लीजिए। और अब चलते हैं ऊपर। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं भी सुबह से सारा काम तो मैंने कर लिया और नाइटी पहन के बैठी थी। मुझे लगा रबी लेके आएगी आयुष्मान को, लेकिन स्कूल में गई लेने के लिए तो लोग छोड़ ही नहीं रहे थे। अथॉरिटी कार्ड लेके आओ तो ही छोड़ेंगे, तो मैं अथॉरिटी कार्ड लेके भाग भाग के गई। ऐसे ही मैंने सिर्फ चेंज किया और भाग के चली गई हूँ। और आई तो देखो हालत एकदम ख़राब हो गई, पसीने से एकदम नहा गई मैं। अभी मुझे ही जाना पड़ेगा उसको रोज़ लाने और छोड़ने के लिए। छोड़ने के तो जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। और ऐसे ही गई, वो पूरा हालत एकदम ख़राब हो गई है। आने के बाद थोड़ा आराम किया आने के बाद में, तो अभी थोड़ा चेंज करती हूँ, फिर से थोड़ा काम बाकी हो कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ अगर कहीं जाना रहेगा तो आप लोग भी चलना साथ में। चेंज कर लिया मैंने, थोड़ा सा काम बचा है वो भी कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा खाना खा के आराम करूँगी क्योंकि बहुत थक गई हूँ। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ। आयुष्मान को मैंने नहीं सुलाया और मैं कुछ भी बात कर जाती, मेरे बच्चे इतना चिल्लाते हैं, मुझे दरवाजा बंद करना पड़ेगा लग रहा है। चिल्ला चिल्ला के लोग बात करते हैं ना, तो पूरा सब वीडियो में ही सब सुनाई पड़ने लगता है। तो अभी मैंने आयुष्मान को सुलाने की बात कर रही थी। आयुष्मान को मैं नहीं सुला पाई हूँ, आज आयुष्मान को डॉली ने सुलाया है क्योंकि वो उसके पास जल्दी सोता है। कल उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया था, सोया नहीं था, मुझे सुला के चला गया था। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने फिर से चेंज कर लिया है। अब मुझे जाना है मार्केट, थोड़ी लानी है सब्ज़ियाँ मार्केट से। और मैं आप लोगों को और क्या दिखा सकती हूँ, बस यही दिखा सकती हूँ। ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है? यही होता है। पर मुझे जो सजेशंस दिया है आपने वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सीखूँगी, एडिटिंग भी सीखूँगी, अच्छे से सीखूँगी। अभी जैसा मुझे आ रहा है मैं वैसा ही बना रही हूँ, पर मुझे सीखना है और सीखना है। क्या होता है ना, जब कोई भी काम हम नया स्टार्ट करते हैं तो शुरू में शायद उतना अच्छे से नहीं जमता है, पर जब हम उसमें एकदम डीप में चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमें वो समझ में आने लगता है। लोगों के सजेशंस मिलते हैं, जैसे कि आज भी मेरे भाई ने सजेशन दिया मुझे, तो वो सब मैं हमेशा याद रखूँगी ये सब चीज़ें। और धीरे धीरे मैं अपने वीडियोज़ में इम्प्रूव करूँगी अपने वीडियोज़ को। तो चलिए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी चलती हूँ मार्केट, लेके आती हूँ कुछ सब्ज़ियाँ। डॉली को बोल रही हूँ चलने के साथ में पर डॉली सुन नहीं रही है, अभी उसको चिल्लाना पड़ेगा। जब भी वीडियो बनाने लगूँगी ना, ये लोग झगड़ा ही करने लगते हैं दोनों बहनें, तो अभी बोलती हूँ उसको, फिर मार्केट जाती हूँ सब्जी लेके आती हूँ। मैगी मैगी लाने जा रही हूँ। कल रात को जो तुमने ड्रामा किया ना मैगी के लिए, मैं मैगी ला के रख दूँगी और तुम दोनों को नहीं खाने दूँगी, सिर्फ तू ही खाना, खुद बनाना खुद खाना। अच्छा ना खुश? जब आएगा तो उसे खुद बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अरे तो सीख लो ना, सीख लो मैगी बनाना। तुम मम्मा गाने को चेंज मत करा। गाने को चेंज नहीं कर रही हूँ मैं, लिरिक्स अपने डाल रही हूँ, फिर वो लोग का ही है ना। पापा यार बना देते हैं, शब्द हमारा है पर गीत उनका है। हाँ, ट्यून उनका है, धुन उनकी है, शब्द हमारे हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? ब्लर क्यों आ रहा है फेस मेरा? मैं
क्या बनाना बनाना सिखा दूंगी ना दीदी, सिखा दीदी ना, मैं सिखा दूंगी। अच्छा खुद ही बना दो ना। सीख लो श्री बाबा, मैगी बनाना तुम सीख लो। चप्पल निकाल के रखा है, चलो बाय बाय। तो अभी डॉली आना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसको मैंने ज़बरदस्ती आने के लिए बोला है, इसलिए थोड़ी सी गुस्से में है। अभी मेरा वीडियो भी बना रही है, मूड उसका थोड़ा ख़राब हो गया है कि नहीं मुझे नहीं जाना था, मम्मी ज़बरदस्ती लेके जा रही है। और मुझे पूछ भी रही है कि मुझे क्यों लेके जा रही हो साथ में, मुझे वीडियो बनवाने के लिए या एक्सरसाइज करवाने के लिए। तो मैंने बोला एक्सरसाइज करने के लिए, फ्री में हमारा एक्सरसाइज हो रहा है, चलो चुपचाप से। हम लोग नीचे पहुँच गए हैं, तो अभी दूर से ही मैंने भगवान को प्रणाम कर लिया है। अभी मार्केट जाती हूँ सब्जियाँ लेने के लिए। आज फिर हम छतरी नहीं लाए हैं, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है अभी। करवाया है मैंने सुबह, फिर से कर लो सुबह शाम दिन रात करने का। और यहाँ पर आसमान तो थोड़ा साफ दिख रहा है, लेकिन इस तरफ बादल हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, एंड नाउ यू कैन सी सम ग्लैमर, यू नो, ब्यूटी। हमारे घर के पास ही एक स्कूल है, वो स्कूल के पास से शाम का नज़ारा ऐसा रहता है। तो डॉली को वीडियोग्राफी का बहुत शौक है ना, इसलिए वो सब ऐसा निकालती रहती है। और अभी हम लोग मार्केट में पहुंच चुके हैं, तो ले रही हूँ थोड़ा सा सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं हेल्थ के लिए, इसलिए मैं हरी सब्जियाँ ज़्यादा लेती हूँ। और सब्जियाँ ले ली हमने, अभी हम घर जा रहे हैं वापस। और ये डॉली है जो इसको बहुत नेचर बहुत पसंद है, देखो शाम को कितना अच्छा लग रहा है, हर तरफ अलग अलग कलर दिख रहा है। यहाँ पर कुछ और दिखेगा, आगे कुछ और दिखेगा, देखो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। डॉली को बहुत शौक है सब कैप्चर करने का कैमरे में, वही शूट कर रही है सब कुछ। और अभी मार्केट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बैंकिंग सर्वर डाउन होने की वजह से, तो अभी हम लोग जाते हैं घर के पास ही एक पार्क है, उसमें बैठेंगे थोड़ी देर। अभी हम लोग गाइस बैठे हुए हैं गार्डन में, झूले पे झूल रहे हैं, पर बहुत अंधेरा हो गया है इसलिए यहाँ पे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, पर आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पर आप लोगों को ये झूले की आवाज़ तो आ रही होगी। इतना ख़तरनाक झूला है कि हम लोगों को चिल्ला रहा है, उठ जा उठ जा, टाए टाए चिल्ला रहा है हमारे सर पे। पर हम लोग बड़े ढीठ लोग हैं, हम लोग झूला झूल के ही जाएंगे। डॉली क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मैं एक ही चमक रही हूँ, डॉली क्यों दिख रही है? अब डॉली दिख रही है, अब मैं नहीं दिख रही। यहाँ पर अंधेरा है ना, डॉली अपने फ़ोन का लाइट ऑन किया हुआ है। तो थोड़ी देर हम लोग झूले पर बैठेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। डॉली अभी झूल रही है झूला, और ये है गार्डन जो कि अंधेरा हो चुका है, तो पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है लाइट ऑन करने के बावजूद भी। यहाँ पर है लाइट्स, यह है गार्डन के पेड़ पौधे, और यह है लाइट। और डॉली आज बहुत शांत शांत लग रही है, उसका दिमाग ख़राब हो गया अभी गूगल पे की वजह से, नहीं तो मेरी बच्ची इतनी शांत नहीं रहती कभी। इस तरफ से दरवाजा खुला, गेट खुला हुआ है। हाँ तो चलो वहाँ से। उजाले में आए रहते तो मस्त तो अच्छे से बनी रहते। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, हम किधर हो गए, किधर जाएंगे, इधर चलेंगे, किधर चलेंगे, लाइट की कमी की। और यहाँ पर लाइट्स नहीं है इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया, तो उसको गुस्सा आ गया, कुछ बोल रही थी वो, मैं बोले नहीं, मतलब मैंने वीडियो बंद कर दिया, इसलिए वो महा अपसेट हो चुकी है मुझसे, सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए इतनी शांत हो गई है मेरी बच्ची। और अब हम लोग जा रहे हैं घर के पास एक मार्केट है, वहाँ से लेते हैं थोड़ी सब्जियाँ जो लेनी बाकी रह गई थी, वो यहाँ से ले लेंगे हम लोग। अरे दोस्तों, मैं तो प्रिटी प्रिटी लग रही हूँ, मैं नैना जैसी लग रही हूँ ना, कल होने वाली स्कॉलर नैना। हाँ वही, मैं जवानी है, दीवानी है, कल होने वाली स्कॉलर नैना लग रही है। आई डोंट नो आई हैड दिस, आई डोंट नो यू दिस। आज मेरा छूट गया, बर्थडे अच्छे लगते हैं, जल्दी से लिख के बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती ये नदिया ये रहना और
से बैठ के यहाँ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट जाके चल के इतने थक गए हैं कि ऊपर जाने के लिए पहले डर लग रहा है, बैठ के आराम कर रहे हैं। आराम हो चुका है, डॉली गई है पेन लाने के लिए, इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे। गणपति बप्पा माता रानी थैंक यू सो मच। अभी मैंने ऐसे मैं सोची कि मैंने मार्केट में सारा पैसा खर्च कर दिया है, लवी का कॉल आया कि पेन लेके आओ, तो मैं सोची कि अभी क्या करूँ, ऊपर जाके फिर नीचे आना पड़ेगा तो बहुत थक जाएंगे हम लोग। पर मैंने पर्स खोला टटोला उसमें तो मुझे और उसमें पैसे मिल गए, तो गणपति पप्पा सोचे कि इतना ऊपर चढ़ेगी वापस उतरेगी, इससे अच्छा है थोड़ा पैसा इसके पर्स में हो जाना चाहिए। तो ये हुआ है अभी का चमत्कार, थैंक यू गणपति पप्पा, थैंक यू माता रानी। तो ये सब्जियाँ मैंने धो के रख दिया है, यहाँ पर खाना भी रेडी हो चुका है, इसमें सब्जी है, इसमें राइस है, उसमें दाल है, सब रेडी हो चुका है। और आयुष्मान के लिए मैगी बन चुका है, आयुष्मान मैगी खा चुका है, मेरा मंगलसूत्र हमेशा की तरह टेढ़ा पड़ा हुआ है, अब जाके सीधा उसका रोज सीधा करना पड़ता है। और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करती हूँ, क्योंकि यहाँ का काम तो हो चुका है, अब थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे सब लोग। अरे अभी आए नहीं, आ जाएंगे तो फिर खाना खाते उनके साथ में, फिर बाद में मिलती आप लोगों से। तो अभी हम सब ने खाना खा लिया है और हो चुकी है रात, अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल तो आयुष्मान का स्कूल नहीं है लेकिन लवली का कॉलेज है, डॉली का कॉलेज है, तो उसके लिए तो उठना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी, सब लोग सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठना है। तो मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।